रामनगर रोड पर स्थित कॉर्बेट वाटरफॉल में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र का शव पुलिस को मिल गया था तो वहीं दूसरा छात्र लापता था। उसे खोजने के लिए SDRF और पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाया गया था। दूसरे छात्र का शव सोमवार सुबह को बरामद कर लिया गया। बता दें कि इस हादसे के बाद वन विभाग ने कॉर्बेट फॉल को पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला किया। रविवार की शाम को रुद्रपुर स्थित कॉलेज के छात्रों का दल कॉलेज टूर पर कॉर्बेट वाटरफॉल घूमने आया था। यहां पर नहाते वक्त दो युवक डूब गए। एक युवक का शव तो मिल गया था लेकिन दूसरा युवक लापता था। युवकों की पहचान विक्की मंडल और अभिजीत अधिकारी के रूप में हुई है। SSP पंकज भट्ट ने बताया कि सोमवार सुबह SDRF और पुलिस टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान दूसरे छात्र अभिजीत के शव को बरामद किया। उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपका स्कूल के बच्चे आपका जो है स्कूल बस से ही आपका घूमने के लिए जा रहे थे। इस दौरान ये कॉर्बेट फॉल में इनकी बस रुकी, ये कॉर्बेट फॉल में गए, वहाँ ये आपका जो झरने के पास आपका वहाँ स्नान करने के लिए गए, जिसमें दो बच्चों के डूबने के डेथ हो गई है, जिनमें से कल एक की डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज SDRF और लोकल पुलिस ने सुबह से जो सर्च अभियान चलाया था उस पर दूसरे की डेड बॉडी मिली। उसमें क्योंकि ये आपका फॉरेस्ट के द्वारा जो है इसमें बार गार्ड होता है उनका, वो उसमें शुल्क उनका रहता है, तो ये उनके नॉर्म्स के अनुसार उनको सिक्योरिटी लगानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर की व्यवस्था पुलिस के पास नहीं है। इसमें उनके द्वारा अगर कोई तहरीर दी जाती है तो पुलिस उसके आधार पर ही कार्रवाई करेगी।